से सजी हुई जनाबे ताहिर अजीम की दोनों गज़लें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको भी मुबारकबाद इसलिए कि उर्दू को ज़िंदा रखने के कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि अच्छी शायरी उन बस्तियों में हो जहाँ उर्दू के परचम लहराते हैं, और खुदा का शुक्र है बहरीन में ये काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से, चंद साल पहले मैं यहाँ आया था तो वो शायर के तौर पर तुलू हुए थे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अभी मजलिस के मुशायरे में आना हुआ, उसकी रुदाद उन्होंने लिखी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से अखबारात में शाया हुई, तो मुझे लगा कि वो अमीर कलम हैं, ऐसे कलमकार कि उन्होंने कागज़ पर सितारे चमका दिए और कागज़ पर फूल खिला दिए। मैं जनाब अमीर अहमद पाशा की बात कर रहा हूँ। अमीर अहमद पाशा साहब लफ्ज़ों के जादूगर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नसल निगार, और सबसे बढ़कर ये कि बहुत प्यारे दोस्त। खुदा ऐसे दोस्तों को कायम रखे और इनके कलम से यूं ही चांद सितारे फूटते रहें। इस दुआ के साथ मैं जनाब अमीर अहमद पाशा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब, आपकी पज़ीराई मेरे लिए सनद है। सदर मुशायरा की इजाज़त से चंद अशार, पहले दो अशार। शेर देखिए, तुम्हारे वसल की खुशियों का ये तकाजा है, वाह, तुम्हारे वसल की खुशियों का ये तकाजा है, तुम्हारे नाम पर आज़ाद एक गुलाम करें। क्या कहना। तुम्हारे वसल की खुशियों का ये तकाजा है, तुम्हारे नाम पर आज़ाद एक गुलाम करें। और मिली न छुट्टी इन्हें अपने आलमी दिन पर, मिली न छुट्टी इन्हें अपने आलमी दिन पर, और इससे बढ़ के ये मजदूर कितना काम करें। मिली न छुट्टी इन्हें, मिली न छुट्टी इन्हें अपने आलमी दिन पर, और इससे बढ़ के ये मजदूर कितना काम करें। दो तीन शेर और देखिए, चांद चेहरा फिर आज याद आया, वाह, चांद चेहरा फिर आज याद आया, तेरा खुशबू मिजाज याद आया, तेरा खुशबू मिजाज याद आया। और शेर देखिए, तू मिला है तो मेरे दिल को भी, तू मिला है, तू मिला है तो मेरे दिल को भी अपना कुछ काम काज याद आया। तू मिला है, तू मिला है तो मेरे दिल को भी, क्या कहना पाचा, तू मिला है तो मेरे दिल को भी, वाह वाह वाह, अपना कुछ काम काज याद आया। और शेर देखिए, सर साए को बात करते देखा तो, साए को बात करते देखा तो एक शक्की मिजाज याद आया। अरे वाह। साए को बात करते देखा तो एक शक्की मिजाज याद आया। गजल के चंद अशआर, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मतलब है सर, नक्शे जुमाले यार था कैसा लिखा हुआ, नक्शे जुमाले यार था कैसा लिखा हुआ, जैसे किसी ने चांद को, जैसे किसी ने चांद का चेहरा लिखा हुआ। नक्शे जुमाले यार था कैसा लिखा हुआ, जैसे किसी ने चांद को चेहरा लिखा हुआ। और शेर देखिए, यूं भी तो तुम पे वसल का मंजर नहीं खुला, यूं भी तो तुम पे वसल का मंजर नहीं खुला, दिल की जगह था बंद दरीचा लिखा हुआ। अच्छा। दिल की जगह था बंद दरीचा, यूं भी तो तुम पे वसल का मंजर नहीं खुला, दिल की जगह था बंद दरीचा लिखा हुआ। और तुमने तो अपने ख्वाब मुरतब किए हैं दोस्त, क्या कहना, तुमने तो अपने ख्वाब मुरतब किए हैं दोस्त, लोगों को मिल गया है तमाशा लिखा हुआ। वाह। तुमने तो अपने ख्वाब मुरतब किए हैं दोस्त, लोगों को मिल गया है तमाशा लिखा हुआ, लोगों को मिल गया है
تماشا لکھا ہوا اور اب کے وہ اپنے خط میں بھی الجھا ہوا سا تھا. اپنے وہ اب کے خط میں بھی الجھا ہوا سا تھا, دھمکی کے ساتھ ہی تھا دلاسا لکھا ہوا. اب کے وہ اپنے خط میں بھی الجھا ہوا سا تھا, دھمکی کے ساتھ ہی تھا دلاسا لکھا ہوا. اور یہ شعر دیکھیے, یہ شعر دیکھیے سر, دہقان اس تضاد کو پڑھ کر ہی مر گیا. دہقان اس تضاد کو پڑھ کر ہی مر گیا, دریا کے آس پاس تھا صحرا لکھا ہوا. دہقان دہقان اس تضاد کو پڑھ کر ہی مر گیا, دریا کے آس پاس تھا, دریا کے آس پاس تھا صحرا لکھا ہوا. اور وہ تھا کتاب شہر میں ایک انجمن مثال. جناب نور پٹھان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ تھا کتاب شہر میں ایک انجمن مثال, لیکن جنوں کے باب میں تنہا لکھا ہوا. وہ تھا کتاب شہر میں ایک انجمن مثال, لیکن جنوں کے باب میں تنہا لکھا ہوا. اور ہمسا سفر نصیب بھی ہوگا کوئی امیر, ہمسا سفر نصیب بھی ہوگا کوئی امیر, منزل کی لوح پر بھی تھا رستہ لکھا ہوا. منزل کی لوح پر بھی تھا رستہ لکھا ہوا, منزل کی لوح پر بھی تھا رستہ لکھا ہوا. اور نقش جمال یار تھا کیسا لکھا ہوا, جیسے کسی نے چاند کو چہرہ لکھا ہوا. کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ. جناب احمد امیر پاشا نے بھی بہت اچھا کلام سنایا, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ افضال نے, عدنان افضال نے جو پھول کھلایا تھا اس کی خوشبو بڑھتی ہی جاتی ہے. اور انجمن فروغ ادب کے روئے رواں طاہر عظیم اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد,